हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम ओप्पो A59 5G का FRP लॉक बाईपास करके दिखाएंगे बिना कंप्यूटर के। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हम स्किप कर रहे हैं तो यहाँ पे स्किप नहीं होगा। तो यहाँ से हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करेंगे और इसके बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर बहुत टाइम लगता है। यहाँ से देखिए चेकिंग इन्फॉर्मेशन आएगा। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ जीमेल अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होगा। तो बैक करेंगे, आई बटन पे जाएंगे और QR पे जाएंगे और नियर बाय पे क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग करेंगे और इसके बाद दोस्तों अलाउ करना है। फिर देखिए नीचे नियर बाय शेयरिंग है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पेज खुलेगा, इसके बाद 3 डॉट पे जाएंगे और पहला शेयर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों हमें साइट से स्क्रॉल करना है एक बार। और यहाँ पे देखिए हमारा मैसेज दे रहा है, इस पर ओपन करेंगे, न्यू मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी अंक डायल कर ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसको कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों इसमें हमें www.youtube.com टाइप करेंगे और इसके बाद सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद दोस्तों हमें एक बार फिर इस पर टाइप करेंगे और फिर एक बार और टाइप करेंगे, हमारा YouTube ओपन हो जाएगा। अलाउ कर लेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे दोस्तों हम और देखिए हिस्ट्री एंड प्राइवेसी है, इस पर टाइप करेंगे। फिर नीचे यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस, यहाँ से हमारा क्रोम ओपन हो जाएगा तो विदाउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नो थैंक्स कर लेंगे। और दोस्तों इसमें हमें टाइप करना है VNROM। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो हमारा जो पहली लिंक है इसे ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है तो इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए हम दिखा दे रहे हैं हमारे पास कौन सा मॉडल है। यहाँ पे ओप्पो A59 5G और एंड्रॉयड वर्जन 13 चल रहा है दोस्तों। दोस्तों हमें होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाना है और इसके बाद देखिए हमारा होम स्क्रीन लेआउट है, इसको ओपन करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है लॉन्चर में चला जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हमें साइड में एक बार स्क्रॉल करेंगे और यहाँ इसको कट करेंगे और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लोन फ़ोन है, इसको ओपन करेंगे। और अब दोस्तों हमें एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में दोस्तों हमें डाउनलोड करना है क्लोन फ़ोन 1+ करके एप्लीकेशन आता है, उसे हम डाउनलोड करेंगे। देखिए हमने डाउनलोड कर रखा है और इसको हमें ओपन करना है और इसके बाद दोस्तों हमें ओप्पो वाला फ़ोन में सर्च फॉर न्यू डिवाइस करेंगे, अलाउ करेंगे और यहाँ पर अगर हमारे पास ओप्पो रियलमी का फ़ोन है तो ओप्पो रियलमी पे करेंगे और यहाँ से QR आ जाएगा। और दोस्तों हमारा दूसरा फ़ोन जो है इसमें पहले वाला पे क्लिक करेंगे और इसको स्कैन करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ से स्कैन हो गया और कनेक्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर टाइम लगेगा, इसके बाद कनेक्टिंग हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से दोस्तों सभी को अनटिक करेंगे हम। हाँ यहाँ पे, और इसके बाद दोस्तों हम ऐप जो है इस पर टाइप करेंगे, हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। इसमें से दोस्तों हमें कोई भी छोटा सा ऐप सेंड करना है तो हम कोई भी ऐप ले रहे हैं और यहाँ से ओके करेंगे। और नीचे दोस्तों देखिए दे रहा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे इस पर टाइप करेंगे और हम अपना लॉक चूज करेंगे और यहाँ से देखिए सेंडिंग होने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सेंडिंग हो चुका है, हम इसको डन करेंगे और इसको हटा देंगे दोस्तों, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। और यहाँ से डन करेंगे एक बार, फिर देखिए यहाँ से हमारा FRP बाईपास हो चुका है। अब फिर हम स्किप करेंगे, फिर डन करेंगे, फिर स्किप करेंगे
और गेट स्टार्ट पे आ जाएगा दोस्तों, और हमारा फ़ोन पूरी तरह से FRP लॉक ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस ट्रिक की मदद से आप ओप्पो मॉडल का FRP बाईपास कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।